सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। एंड इस बार आपको प्रो कबड्डी को लेकर टॉप 5 अपडेट्स बताने वाला हूँ। एंड जो पांचवी अपडेट्स आज के वीडियो के होने वाले, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। तो गाइस, वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस, यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑफिशियली प्रोमो आज आउट हो चुका है स्टार स्पोर्ट के चैनल्स पे एंड सोशल हैंडल्स पे। स्टार स्पोर्ट ने अनाउंस कर दिया था, पहले यहाँ पे टीजर छोटा सा अपलोड किया था जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था। बिकॉज यहाँ पे उस टीजर में एमएस धोनी थे, बहुत सारे क्रिकेट से भी रिलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कन्फर्म हमें पता चल गया। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी टीम्स हो गई, प्रो कबड्डी हो गई एंड ऐसे बता रहे थे आखिर क्या होगा। तो हमें पता चल गया कि सीजन 8 का प्रोमो आने वाला है। वैसे ही हुआ, शाम के 6 बजे स्टारस्पोर्ट ने प्रोमो रिलीज कर दिया एंड प्रोमो बहुत ही अच्छा था। एक नया टैगलाइन यहाँ पे इस प्रोमो से पता चला, जो यहाँ पे बिड़ेगा तो बढ़ेगा, यही लाइन था जहाँ पे एमएस धोनी ने कह दिया। तो अब यही होगा, 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है प्रो कबड्डी सीजन 8 एंड वही था प्रोमो में क्या होता आप सभी को पता। अगर आपने प्रोमो नहीं देखा है तो फटाफट जाके देखिएगा एंड पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा प्रोमो लगा। आपको कैसा लगा प्रोमो एक बार आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलो बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो कैसे दूसरा अपडेट क्वारंटीन को लेके आया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रो कबड्डी सीजन 8 में सभी टीम्स पहले बेंगलोर जाएगी एंड फाइनली क्वारंटीन भी होने वाला है। एंड जैसा मैंने बताया था वैसा ही हुआ, 7 दिन का क्वारंटीन यहाँ पे सभी प्लेयर्स यहाँ पे बेंगलोर में करने वाले, जहाँ पे मैच हो रहा है उसी होटल में सभी प्लेयर्स यहाँ पे 7 दिन का मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, 7 दिन का क्वारंटीन, तभी यहाँ पे सभी प्लेयर्स एक साथ इकट्ठा हो पाएंगे एंड देन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि आज के दिन से सभी प्लेयर्स यहाँ पे बेंगलोर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे आज के क्वारंटीन करेगा। तो यहाँ पे 11 एंड 12 तारीख तक इनका जो क्वारंटीन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पे 12-13 तारीख से यहाँ पे सभी टीम्स अपने प्रैक्टिस करने लग जाएगी एंड 10 दिन का वक्त मिलेगा। देन यहाँ पे हमें प्रो कबड्डी के मैचेस लाइव देखने को मिल जाएंगे। तो चलो बात करते हैं तीसरी अपडेट के। तो गाइस, अब प्रो कबड्डी के सभी टीम्स यहाँ पे फाइनली बेंगलोर पहुंच चुके हैं। जो प्रैक्टिस कैंप है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो चुका है सभी टीम्स का, जो यहाँ पे 2 महीने पहले कैंप लगा था एंड फाइनली 2 महीने का लंबा कैंप खत्म हुआ एंड सभी टीम्स यहाँ पे बेंगलोर पहुंच चुकी है। आप प्लेयर्स को फॉलो करते हो सोशल हैंडल्स पे या फिर अगर आप टीम्स को भी फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप सभी को आज सुबह ही पता चल गया होगा सभी यहाँ पे बेंगलोर पहुंच चुके हैं एंड उसी के बारे में क्वारंटीन के बारे में वहीं से पता चला है, जहाँ पे 7 दिन का क्वारंटीन सभी जन करने वाले। एंड मैं काम करूंगा टेलीग्राम पे सभी टीम्स के प्लेयर्स के फोटो शेयर कर दूंगा, वीडियो में नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाने वाला है। तो अगर आपको फोटो देखने हैं सभी प्लेयर्स के तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे जरूर विजिट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो बात करते हैं चौथे बड़ी अपडेट की। दुकान से चौथा बड़ा अपडेट पटना पायरेट्स का ओलंपिक्स को लेके आया है। अब जैसे कि बताया कि 3 हफ्ते पहले एक नया कॉन्टेस्ट यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम ने लाया था, जहाँ पे टीम्स यहाँ पे कुछ गेम्स खेलेगी एंड जितने गेम्स जीतेगी उतने 150 पॉइंट मिलेंगे, आपको पता ही है। एंड ये टाई मैचेस है, मोनू एंड प्रशांत के टीम के जो पॉइंट्स है यहाँ पे बराबर बराबर चल रहे हैं एंड वीक 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चैलेंज नंबर 7 एंड चैलेंज नंबर 8 खेला जा चुका है। जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ। अगर आपको रिजल्ट जानना है तो यहाँ पे आप पटना पायरेट्स के ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पे जाके भी देख सकते हैं। जो चैलेंज नंबर 8 है अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद से चैलेंज नंबर 8 का भी रिजल्ट आ जाए। तो चलो बात करते हैं पांचवी अपडेट की। दुकान से यहाँ पे मैं बेंगलुरु बुल्स का पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ सीजन 8 के लिए। जो पहला हाफ होने वाला है प्रो कबड्डी में, अगर आप बेंगलुरु बुल्स के फैन है, अगर आपको बेंगलुरु बुल्स के मैचेस देखने तो यहाँ पे जरूर वीडियो को नोट कीजिएगा एंड जो डेट्स बता रहा हूँ वो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। तो कैसे यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स का पहला मैच यहाँ पे 22 दिसंबर को होने वाला ओपनिंग मैच है, यू मुंबई के खिलाफ 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकंड मैच यहाँ पे तमिल थलाइवास के खिलाफ खेलने वाली है, 24 दिसंबर को 8:30 बजे मैच रहने वाला है। तीसरा मैच यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम बंगाल वर्ल्ड्स के खिलाफ खेलेगी 26 दिसंबर को एंड बेंगलुरु बुल्स की टीम आने वाले सभी मैचेस यहाँ पे पहला मैच छोड़ के सभी मैच 8:30 बजे खेलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग नहीं बताऊंगा, सिर्फ डेट एंड टीम्स का बता देता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम अपना अगला मैच हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ खेलेगी 30 दिसंबर को। देन दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम अपना अगला मैच तेलुगु टाइटन्स के खिलाफ खेलेगी 1 जनवरी को। देन दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम अपना अगला मैच पुणेरी पल्टन के खिलाफ खेलने वाली 2 जनवरी को। देन दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम जयपुर विंग पैंथर्स के खिलाफ खेलेगी 6 जनवरी को। देन दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम यहाँ पे खेलेगी यूपी योद्धा के खिलाफ 9 जनवरी को। देन दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स का अगला मैच यहाँ पे दबंग दिल्ली के खिलाफ है, जो यहाँ पे 12 जनवरी को मैच होने वाला है। देन दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम अपना अगला मैच गुजरात जायंट्स के खिलाफ खेलने वाले, जो यह मैच 14 जनवरी को होने वाला है। देन दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम अपना अगला मैच
पटना पायरेट्स के खिलाफ खेलेगी, जो ये 16 जनवरी को मैच होगा। एंड सभी मैचेस 8:30 बजे, जो पहला मैच युवा के खिलाफ है वही यहाँ पे 7:30 बजे होने वाला। एंड वेन्यू एक ही है जो मैंने आपको बता दिया है, बेंगलोर। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको टॉप 5 अपडेट्स बता दिए। एंड कौन सा अपडेट आपको सबसे बढ़िया लगा एक बार आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा। एंड वीडियो कहीं पैन करते हैं, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए, इशू को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।